डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस। ठीक है, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस हम डिस्कस करेंगे आज, या हम इसको कह सकते हैं इट इज इंटरवैलेंस ट्रांजिशन। इंटरवैलेंस ट्रांजिशन, इसका मतलब मैं समझा देता हूं क्या होता है। इंटरवैलेंस ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, देखो मेटल टू मेटल ट्रांजिशन जो होता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है या चार्ज ट्रांसफर जो होता है, चार्ज से मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यानी एक मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके दूसरे मेटल में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहां चला जाता है, लेकिन ये हवा में नहीं जाएगा, ये जाएगा थ्रू ए ब्रिज, और ये ब्रिज जो होगा यहां पे होगा ये लीगेंड। ये याद रखना, ये जो ब्रिज है ना, ये यहां पे लीगेंड, यानी लीगेंड ब्रिज के थ्रू होता है। अब होता कैसे ये भी बताऊंगा मैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो ट्रांजिशन है इसको मैं एक्साइटेशन भी कह सकता हूं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ वन मेटल एटम टू वैलेंस शेल ऑफ अनदर मेटल एटम, यानी एक वैलेंस शेल से दूसरे वैलेंस शेल, एक मेटल के वैलेंस शेल से दूसरे मेटल के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, ट्रांसफर होता है, एक्साइट होकर ट्रांसफर होता है। एक्साइट का मतलब यहां पे ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब। और अगर इसने विजिबल लाइट एब्जॉर्ब की, लाइट एब्जॉर्ब की कौन सी, विजिबल लाइट, तो तब हमें ये कलर देगा, ये हमें स्पेक्ट्रम देगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देगा। बात समझ में आए ना, उसी को कहूंगा मैं कि ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम है। लेकिन कौन से चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ गई, शाबाश। अब ये चार्ज ट्रांसफर कौन से मेटल से कौन से मेटल में हो सकता है, ये भी जरूरी है ना, ये समझना जरूरी है। देखो सपोज अगर दो मेटल्स हैं, इन दोनों में से जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगा, क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, लो होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगा, याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, लो स्टेट लो होगा। वहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा उस मेटल की तरफ जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह हुआ कि इसके पास में पॉजिटिव चार्ज कम है, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इसके पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, कम होंगे इलेक्ट्रॉन, तब ये चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, यानी मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। बात समझ में आ रही है यहां तक, शाबाश। अब देखो यहां पर मैंने बताया कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट से, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी एक वैलेंसी से दूसरे वैलेंसी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसलिए मैं इसको बोल सकता हूं कि यह है इंटरवैलेंस ट्रांजिशन, इंटरवैलेंस ट्रांजिशन या इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही या चार्ज ट्रांसफर ही। बात समझ में आ गई, शाबाश। अब इसकी एक एग्जाम्पल देता हूं मैं कि यह चार्ज ट्रांसफर कहां पे होता है। देखो हमारे पास में एक कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कंपाउंड इस तरह है, ये है के एफ ई, याद रखना, फिर है एफ ई सी एन सिक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कॉम्प्लेक्स या पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लो, इसमें जो ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इसमें आयरन सेंट्रल मेटल एटम है और इसके साथ में छह सी एन, यानी सी एन लीगेंड, साइनाइड लीगेंड जो है, सी एन निगेटिव लीगेंड्स इसमें अटैच है, कितने, छह सी एन लीगेंड्स इसमें अटैच है, छह सी एन निगेटिव लीगेंड्स अटैच है। और यहां पे आयरन के साथ में, याद रखना, आयरन के साथ में कार्बन कोऑर्डिनेशन करता है, कौन करता है आयरन के साथ में कोऑर्डिनेशन, कार्बन, यानी यहां पर कोऑर्डिनेशन होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है थ्रू कार्बन, तो मैं इसको बोलूंगा कार्बन जो यहां पे डोनर एटम है और आयरन जो हुआ एक्सेप्टर है। ठीक है, ये होगी एक बात। दूसरी बात, अगर मैं यहां पे देखूं,
यहाँ पे इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें आयरन रहता है, आयरन यहाँ पे आयरन रहता है यहाँ पे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, कौन से प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, बात समझ लेना मेरी, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, देखो ये अगर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पे प्लस टू चार्ज, प्लस टू में से छः माइनस निकाल दो तो वहाँ पे चार माइनस बचते हैं, चार माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका प्लस वन और इसका प्लस थ्री यहाँ पे बैठा हुआ है, यानी जो काउंटर आयन्स यहाँ पे बैठे हुए हैं ये दो है, Fe3 पॉजिटिव एंड के प्लस वन, बात समझ में आ गई। अब देखो होता क्या है, ये वाला जो है ना ये लो वैलेंट है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, लेकिन इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है। और ये जो जुड़े हुए हैं ना ये भी दिखा दूंगा मैं, ये कैसे जुड़े हुए, देखो आयरन जो है Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है सी के साथ में, ठीक, और यहां पे एन है, एन नेगेटिव, इस एन का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है Fe3 पॉजिटिव के साथ में, इसके साथ में बॉन्ड यानी बाहर वाले इसके साथ में, ये यानी ये इसके साथ में जब बॉन्ड बनाता तो ये इसके साथ में इंटरेक्ट करके इसके साथ में बॉन्डिंग कर सकता है, ये तो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग है, लेकिन ये भी इसके साथ में बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन के साथ में, जो बाहर नाइट्रोजन रहता है उसके साथ में ये कोऑर्डिनेशन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि एक एटम इधर इन्वॉल्व हुआ दूसरा एटम इधर। अब ये जो CN है, CN ने इन दो एटम्स के बीच में यहाँ पे ब्रिज बना दिया, ब्रिज बना दिया इनके बीच में, बात समझ में आ गई, शाबाश। अब आयरन, ठीक है, आयरन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इसकी तो ये D6 सिस्टम है, D6 सिस्टम मतलब इसके D सबशेल में, 3D सबशेल में इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये D5 है, ये है D5 यानी इसमें 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको बोलूँगा ये पेंटावेलेंट है या हेक्सावेलेंट है यहाँ पे, या सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि इसमें 6D इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5D इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होके, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा इधर और फिर यहाँ से इस बॉन्ड के थ्रू इधर शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकता है, यानी थ्रू दिस ब्रिज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, एक्साइट होके जा सकता है, क्योंकि हवा में तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, बात समझ में आ गई ना। यहाँ पे ये इसको मैं बोलूँगा कि ये इंट्रामोलिक्यूलर है, ये एक तरह का इंट्रामोलिक्यूलर है, लेकिन इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, यानी एक मेटल से दूसरे मेटल, इस Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन थ्रू दिस CN, इसको मैं अलग कलर करूंगा, CN जो है यहां पे एज ब्रिज काम करेगा, जो एक्चुअल में लिगेटेड है या ये बंद है एक्चुअल में किसके साथ में, Fe2 पॉजिटिव के साथ में, लेकिन Fe3 पॉजिटिव भी नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बना सकता है बाहर से, बात समझ में आ गई ना। यानी अगर Fe जो है, Fe यहां पे सेंटर में है, यहां पे CN, यहां पे CN, सॉरी यहां पे CN, यहां पे CN है, सॉरी CN यहां पे CN है, CN यहां पे CN है, यहां पे CN है, तो यहां पे Fe3 पॉजिटिव इसके साथ में बॉन्ड बना सकता है, ठीक, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इधर जा सकता है, क्लियर। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से ये जो हमारे पास में कंपाउंड है इसका कलर रहता है ब्लू कलर, क्या रहता है ब्लू, क्लियर, क्या बोलते हैं इसको ब्लू, इसका ब्लू कलर है, और इसका नाम भी है प्रूशन ब्लू, याद रखना प्रूशन ब्लू कहते हैं इसको, प्रूशन ब्लू। अब क्या मतलब सबूत है यहां पे कि यहां पे इसका कलर जो है वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से ही होता है, इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, जैसे हम इसी के जैसा और एक कंपाउंड लेंगे, किसकी जैसा, प्रूशन ब्लू की जैसा, यानी KFe FeCN होल सिक्स
ये जो प्रूशन ब्लू है इसका कलर कैसा है, ब्लू कलर। और मैंने ये कहा कि ये किसकी वजह से होता है, चार्ज ट्रांसफर। कौन से चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है इसका कलर ऐसा। अगर मैं और एक कंपाउंड ले लूं, सपोज ये वाला कंपाउंड, इसको कहते हैं फेरी फेरोसाइनाइड, याद रखना FeFeCN6। ये थोड़ा सा अलग टाइप का कंपाउंड है, मैं बताऊंगा कैसे। ये वाला जो कंपाउंड है इसमें ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये काउंटर आयन है। इस कॉम्प्लेक्स आयन में, फिलहाल मैं बोलूंगा, इस कॉम्प्लेक्स आयन में ये Fe2 पॉजिटिव है, तो यहां पे टोटल चार्ज बचेगा 4 नेगेटिव, है ना, 4 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ठीक। और ये जो ये Fe3 पॉजिटिव, ये भी याद रखना। तो ये जो कंपाउंड है इसकी इसकी वैलेंसी, टोटल वैलेंसी 4 है, तो मैं लिखूंगा इसके बदले में ये वैलेंस इधर, यानी ये बनाएगा Fe3 पॉजिटिव 4 और Fe2 पॉजिटिव CN6। ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये होगा 3 times, यानी इसकी वैलेंस इसको मिलेगी, इसकी वैलेंस इसको मिलेगी। जैसे हम ये बनाते हैं, सपोज AlCl बनाएंगे, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 3, इसकी वैलेंस इसको दे दो क्रिस क्रॉस करके, इसकी वैलेंस इसको, तो ये बन जाएगा AlCl3, है ना। इसी तरह से ये कंपाउंड बन जाता है, इसको कहते हैं फेरी फेरोसाइनाइड या फेरिक फेरोसाइनाइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, फेरिक फेरोसाइनाइड। इस कंपाउंड का जो कलर है, कलर वो भी ब्लू कलर है। वो भी ब्लू क्यों है, क्योंकि इसमें भी इसी तरह का ट्रांजिशन होता है, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन मेटल टू मेटल, क्योंकि इसमें भी इस तरह की बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसमें भी इस तरह की जो लिगेंड्स हैं पॉसिबल है, इसमें इस तरह की ब्रिजेस पॉसिबल है। तो यहां पे पता ये चलता है कि ये ब्रिज जरूरी है। एक तो ब्रिज जरूरी है, दूसरी बात जरूरी क्या है कि ये दो आयन्स की वैलेंसी सेम नहीं रहनी चाहिए, एक हायर वैलेंट रहना चाहिए, दूसरा लोअर वैलेंट, या एक का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा रहना चाहिए, दूसरे का ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहना चाहिए, तब ये पॉसिबल है। हमारे पास में और एक कॉम्प्लेक्स है, उसको कहते हैं क्रूटस्टॉप आयन। क्या कहते हैं उसको, क्रूटस्टॉप आयन। ये क्रूटस्टॉप आयन दिखाऊंगा मैं आपको, क्रूटस्टॉप आयन। ये क्रूटस्टॉप आयन का अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं, मैं डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। टाइम बचाने के लिए मैंने इसको पॉज किया था वीडियो को। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स, देखो ये जो है ना, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इस तरफ भी ऑक्टाहेड्रल, इस तरफ भी। जिस तरह ऊपर फेरी फेरोसाइनाइड था या प्रूशन ब्लू था, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस थे। देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक रुदीनियम जो है वो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और दूसरा जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्लियर। इसमें भी कलर आता है, इसका कलर आता है, और कलर कैसे आता है, कलर इसलिए आता है इसमें क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से इस पायराजीन, ये जो पायराजीन है ना, यहां पे पायराजीन लिगेंड, इसके थ्रू इधर शिफ्ट हो सकता है, इन्हें ट्रांसफर हो सकता है एक मेटल सेंटर से दूसरे मेटल सेंटर में, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांसफर हो सकता है, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से इसमें कलर आ सकता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, लेकिन कब होगा, जब ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर करेगा, यानी एक्साइट करके इधर ले जाएगा। बात समझ में आ गई, शाबाश। तो इसमें जो इंटेंस कलर आता है, इंटेंस कलर, दैट इंटेंस कलर इज ड्यू टू दिस चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। देखो इसमें डीडी ट्रांजिशन भी हो सकता है, लेकिन डीडी ट्रांजिशन उतने ज्यादा इंटेंस कलर्स नहीं देते जितने ये देते हैं चार्ज ट्रांसफर्स। ये मैं किसी लेक्चर में आपको आराम से समझा भी दूंगा, ठीक है। यानी इंटेंस कलर्स जो है ना, वो तब आते हैं जब आपके ट्रांजिशन अलाउड होते हैं, और जो चार्ज ट्रांसफर है, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, दीज आर अलाउड ट्रांजिशन, ये हम पहले ही लेक्चर में
डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब अगर आपको शक होता होगा कि इसमें देखो ये तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें यहाँ पे जो कलर आता होगा वो आता होगा इसी की वजह से, किसकी वजह से, यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन की वजह से, यानी टी टू जी से ई जी में इलेक्ट्रॉन्स जंप करते होंगे तब कलर आता होगा, क्योंकि एफ ई में भी खाली थे, इसमें भी है खाली ऑर्बिटल्स। ठीक, अब इस शक को दूर करने के लिए मेरे पास में और एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल है रेड लेड ऑक्साइड की। लेड ऑक्साइड है हमारे पास में Pb3O4 और इसका जो कलर है ना वो है रेड, इंटेंस रेड, इंटेंस रेड यानी डीप रेड बोल सकता मैं, अच्छा खासा रेड कलर आता है इसका। ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है ना, अब इसमें कलर क्यों आता है, देखो इसमें कलर क्यों आता है, इसमें लेड जो है वो दो तरह के, एक लेड है हमारे पास में इसमें Pb2 पॉजिटिव यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दूसरा लेड है इसमें Pb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक, 4+ या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी। अब यहां पे जो हमारे पास में ऑक्साइड्स हैं वो है चार ऑक्साइड्स है ना, यानी O2 नेगेटिव यहां पे चार है, चार, तो टोटल चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज जो होता है वो होता है आठ नेगेटिव चार्ज, चार दुनिया आठ। ठीक, तो अगर लेड सभी के सभी +2 +2 में होते तब इसका जो चार्ज है वो पूरा न्यूट्रलाइज नहीं होता, यहां पे फिर नेगेटिव चार्ज आता, क्योंकि +2 +2 +2 छह ही हो जाते हैं ना। अगर ये +4 में होता तो फिर यहां पे चार पॉजिटिव होते, तो होता क्या, यहां पे ये दो रहते हैं और ये अकेला रहता है। ठीक, ये आयंस यानी इसके दो आयन और इसके एक आयन, और यहां पे भी +2 लेड में Pb2 पॉजिटिव और Pb4 पॉजिटिव के बीच में एक ऑक्साइड ब्रिज रहता है, क्या रहता है, ऑक्साइड ब्रिज, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ये लाइट एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, या इसकी जो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है इस ऑक्साइड ब्रिज के थ्रू और सीधा इधर, तो यहां पे भी मेटल टू मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से इसमें कलर आता है, वरना इसमें कलर का कोई चांस नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको मेटल टू मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर समझ में आया होगा। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।